हाय गाइस व्हाट्सअप, बोल कैसे हो आप सभी लोग। अब यार इस वाले मैच में मेरे और मेरे टीममेट के बीच शर्त लगती है कि कौन सबसे ज़्यादा किल करेगा। और इसी की वजह से भाई मतलब रहा पूछो ही मत, इस वाले जो मैच में भाई हम जो दोनों मिलकर भाई मतलब 30 से भी ज़्यादा किल कर लेते हैं। फिलहाल यार हम आ जाते हैं पोचिंग के मैन। यहाँ पर मुझे गन मेरी मिल बात चुकी थी, अब सुनना सामने की तरफ तो उतरे थे बंदे, तो मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर रश कर देता हूँ मेरे पास क्योंकि मेरे पास तो गन थी। एंड देखो अब ये वाले बंदे को तो मैंने नॉक किया, और इसका दूसरा जो टीममेट था वो गया था ऊपर। अब उसको किस तरीके से भरते हैं वो भी देखो। और इसी के साथ ये वाली टीम को खत्म कर देते। अब यार देखो यार, आप में से बहुत मैंने सारे लोग यार रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हो, आपको सही भी लगता है, जल्दी आ लेकिन यार जाओ। आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार ये गलती क्यों कर रहे हो यार। कर दो यार सब्सक्राइब, अपने छोटे भाई के चैनल है, क्या जा रहा है मतलब। सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर देना, ठीक है। फिलहाल यार इधर की साइड आता हूँ एंड यार ये वाले बंदे को निपटा देते, क्योंकि मेरा टीममेट मुझे बोल रहा था कि इसके पास कोई बंदा है। जैसे ही मैं आता हूँ बिल्कुल मुझे दिखता बिल्कुल है आ एंड रहा हूँ भर मैं, देते हैं बिल्कुल इसी के साथ। एंड यार जस्ट बिल्कुल देखना, आ रहा इस हूँ। वाले मैच में बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। फिलहाल यार स्क्वाड हाउस की तरफ बंदे थे एंड यार मैंने सोचा कि उधर रश करना ही है, क्योंकि किल चाहिए तो भाई रश करना ही पड़ेगा। और इसी चक्कर में यहाँ पर देखो हम स्मोक करते हैं एंड आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना एक के बाद किस तरीके से एक एक स्क्वाड आती जाती है एंड हम किस तरीके से उनसे मतलब फाइट लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने नेट डाला, मैंने सोचा कि यार क्यों ना यार नेट से कोशिश करते हैं, क्या पता इससे एक दो मर जाए। लेकिन यहाँ पर मैं दो नेट डालता हूँ और दोनों ही हो जाता है फेल। एंड उसके बाद यार मेरा टीममेट मुझे बोलता है कि यार रश कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छी लूट भी थी। एंड देखो यार किस तरीके से, अब क्योंकि यार मैंने ईयरफोन बढ़िया लगा रखे थे तो मुझे पता चल गया था कि ऊपर से एक बंदा आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ वापस एंड ये जो बोर्ड दिखता है फ्री का किल लेते हैं। फिलहाल सामने की तरफ एक बंदा था, ठीक है, और नीचे की साइड थे दो यहाँ पर बोर्ड थे। अब देखो यार इस वाले बंदे को एंड बोर्ड को किस तरीके से भरता है। अब ये फ्री के किल तो हमने अवेयर लिए थे, लेकिन यार ऊपर वाला था एक बंदा, तो मैंने वही स्कीम लगे पहले मेरे टीममेट को भेजा, लेकिन यार यहाँ पर मेरा एक किल और कम हो गया। फिलहाल अभी तक मेरे 5 किल हुए हैं, लेकिन एंड तक जाते हुए देखना किस तरीके से मेरे किल बढ़ते हैं। एंड दोनों को मिला के लगभग 30 किल हम दोनों कर लेते हैं, यानी कि 100 बंदे टोटल थे 100 में से। फिलहाल यार यहाँ पर ये गाड़ी आ जाती है, जिसको कि यार मैं और मेरा टीममेट दोनों मिलके, यानी कि एक एक बंदा दोनों के हमारे पाती आ जाता है। क्या कह रहा था मैं, यानी कि 100 में से 30 बंदे इस वाले मैच में हम दोनों ही मिलकर निपटाने वाले, तो यार वीडियो पूरी देखना। एंड यहाँ पर यार हमारे साथ होता है बहुत गंदा स्कैम, सामने की तरफ एक टीम और आ जाती है। मैंने कहा था बैक टू बैक टीमें आती रहती है। फिलहाल यार मेरे टीममेट ने यहाँ पर इस टीम का एक बंदा नॉक कर दिया था, अब बारी थी रश करने की। तो मैंने मेरे टीममेट को कहा कि भाई जल्दी चलकर रश कर देते हैं एंड देखो यार किस तरीके से ये वाली टीम को भी निपटाते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उछक उछक कर इन वाले बंदों को यहाँ पर नॉक कर दूँ, लेकिन मैं बुलेट्स वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर ये गलती मेरे हो जाती है, मैं यहाँ से नीचे गिर जाता हूँ एंड इतनी देर में मेरा टीममेट जो होता है वो रश कर देता है एंड यार मेरे दोनों के दोनों किल यहाँ से मतलब मेरे पास ही कुछ नहीं आता है। फिलहाल यार इसी के साथ मेरे टीममेट यहाँ पर दोनों बंदे को निपटा देता है। फिलहाल वहां से हम गाड़ी वगैरह लेते हैं एंड यार वापस से किल की तलाश में आ जाते हैं। अब इस वाले मैच में हम मतलब जितनी भी बार हमने यहाँ पर मतलब ड्रॉप के चक्कर में ही हमारे साथ बहुत बड़ा गंदा स्कैम होने वाला है। जस्ट देखो यहाँ पर हम ड्रॉप के चक्कर में आए, हमने यहाँ से अच्छी खासी लूट करी एंड यहाँ पर देखना बहुत भारी वाली तबाही होने वाली है। फिलहाल सामने की तरफ आ जाते हैं कुछ बंदे और पीछे की तरफ भी कुछ बंदे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर फंस गए क्योंकि हम इंतजार ही कर रहे थे बंदों का। फिलहाल यहाँ पर मैं कुछ स्मोक करता हूँ और इतनी देर में भाई मेरा टीममेट हो जाता है नॉक एंड यार अब देखो उसको रिवाइव भी करना है, क्योंकि एक बंदा हमारा कोई नॉक होता है तो आपको पता ही है किस टाइप का यहाँ पर जो है प्रेशर रहता है कि रिवाइव दे रिवाइव दे। तो फिलहाल कैसे भी करके यार मैं मेरे टीममेट को यहाँ पर रिवाइव देता हूँ एंड अब देखो यार एक के बाद एक किस तरीके से हम यहाँ पर टीमों को पहलते हैं। फिलहाल मैंने सोचा कि यार पीछे वाले बंदे को मारूंगा, अभी यार ये वाला अगर आपको नॉक अच्छा लगा हो, यानी मीन इस बंदे को जिस तरीके से निपटा है वो चीज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और यार सब्सक्राइब भी कर देना यार। ये वाली टीम को तो हमने कैसे भी करके निपटा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली एक टीम और बची थी जो कि यार सामने की तरफ थी। एक बंदा कार 98 चला रहा था
एंड एक यहाँ पर ड्रॉप के पीछे था जिसको जो कि आपने देख ही लिया होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं हील करता हूँ और हील करने के बाद मेरा पूरा मूड था कि यार ये वाले बंदों पर रश करेंगे एंड निपटाएंगे। और यहाँ पर देखना बहुत भारी क्लच होने वाला है, 1 HP में दोनों बंदों को मैं निपटाऊंगा, किस तरीके से निपटाऊंगा वो चीज़ यार आप यहाँ पर देखना। और ये क्लच अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। फिलहाल यार यहाँ पर पूरा मैं हील वगैरह करता हूँ एंड अब बारी थी रश करने की। सो यहाँ से मैं डायरेक्टली पुश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मतलब पत्थर वगैरह पड़े थे तो इनका कवर ओवर लेता हूँ एंड फिलहाल मैं पहुँच जाता हूँ उस वाले बंदे के पास। जस्ट देखो यहाँ पर किस तरीके से यार ये वाली टीम को निपटा दे। फिलहाल यहाँ से मैं मतलब सोच रहा था कि कब यहाँ से इधर की साइड आऊँ। फिलहाल मैं इस पत्थर के पीछे आ गया था लेकिन यार ये वाला बंदा बार बार मोली वगैरह कर रहा था। इस वाले बंदे को मैंने एक हिट दिया और अब बारी थी इस वाले बंदे पर रश करने की। एक और मोली मेरे पास आई, अब देखो किस तरीके से भरते हैं। एंड यार थॉमसन वाली गन ने मतलब SMG ने इस बार कमाल कर दिया। अब ये क्लच अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक आपने कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल यार यहाँ तक हमारा मतलब ख़त्म नहीं होता है, अब इसी तरीके से ड्रॉप पर हम एक ही बार एक ड्रॉप पर जाएंगे। ड्रॉप पर बहुत गंदा वाला स्कैम होने वाला है। अब फिलहाल हम आ जाते हैं ये वाली जगह पर गाड़ी वगैरह लेके एंड यहाँ पर हमें दिखती है एक गाड़ी, मुझे दिखता है एक बंदा और मेरे टीममेट को भी एक बंदा दिखता है। अब मैंने कहा कि यार बंदा उधर की साइड है लेकिन अंदर भी एक बंदा था। अब ये वाले बंदे को तो यार ख़त्म कर दिया लेकिन क्योंकि मुझे एक बंदा दिखा था तो यार मुझे वो वाला किल चाहिए था क्योंकि वो मेरा टीममेट ले सकता था क्योंकि यार हमारा दोनों के बीच में बैट लगी थी। तो यार ऑब्वियसली कि यार उसमें उसको भी किल करने थे, मुझे भी किल करने थे। फिलहाल यार यहाँ पर मैं देख ही रहा था वो वाला बंदा किधर है एंड ये मेरे को यहाँ पर लेटा हुआ दिखता है एंड इसी के साथ ये वाले बंदे को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एंड आगे जाके जस्ट आप देखना मेरे टीममेट के साथ बहुत लेवल वाला स्कैम होने वाला है। फिलहाल हम आ जाते हैं वापस ड्रॉप पर एंड यहाँ से जैसे ड्रॉप मतलब हम लूटते हैं जो कि यासनाई के पास पड़ा था एंड हमें दिखती है एक गाड़ी। एंड यार ये वाली गाड़ी में देखो ऑलमोस्ट हम दोनों मतलब मरने ही वाले थे। बस यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने यार M249 को दोबारा से रिलोड नहीं किया एंड M4 को भी मैंने यहाँ पर मतलब रिलोड पर छोड़ दिया था। इसी की वजह से जब मैं यहाँ पर गाड़ी रुकी उस टाइम पर भाई मेरा रिलोड आ गया। फिलहाल यहाँ पर दोबारा से हम आ जाते हैं ड्रॉप पर एंड यहाँ पर भाई होने वाला स्कैम मेरे टीममेट के साथ। जस्ट आप देखो यहाँ पर हम देख ही रहे थे कि और बंदे कहाँ पर है और इतनी देर में ये पेड़ के पास में मुझे हल्का सा दिखा। आप में से किन किन लोगों को बंदा यहाँ पर दिखा वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं दिखा तो वापस से आप बैक लेकर देखो। फिलहाल यहाँ पर मैं ढूंढ ही रहा था कि बंदे कहाँ पर गए, इतनी देर में ऊपर ये बंदा दिखता है जिसको कि यार मेरा टीममेट खत्म कर देता है। एंड मैं इसके दूसरे वाले टीममेट को ही देख रहा था कि यार जो कि इधर की साइड मुझे दिखा था। एंड देखो यार वो वाला बंदा मतलब किस जगह पर मुझे दिखता है, वो चाहता तो वो हम दोनों को मार सकता था लेकिन फिलहाल देखो यहाँ पर लेटा हुआ था। फिलहाल यहाँ पर हम लूट वूट करते हैं एंड यहीं पर मेरे टीममेट के साथ होने वाला है स्कैम। जस्ट आप सभी लोग देखो हमने अच्छी खासी लूट करी, मैं मेरे टीममेट को बोल रहा था कि चल निकल लेकिन उतनी देर में भाई सामने एक बंदा लेटा हुआ था जो कि आपको दिखा होगा एंड हैंड टू हैंड यार ये बंदा मेरे टीममेट को ख़त्म भी कर देता है। फिलहाल यार यहाँ पर लगभग देख लो कि 12 किल मेरे हो चुके हैं एंड 14 किल मेरे हो जाएंगे एंड 15 किल मेरे टीममेट के हो चुके थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने 30 किल कर लिए जो कि आपको लास्ट में पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है, साउंड आती है एंड देखो यार यहाँ पर क्या स्कैम मेरे साथ होता है। अब मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर मूड नहीं था कि मैं यहाँ पर रुकूँ एंड इसको मारूँ लेकिन मतलब मैं ऊपर देख रहा था जितने कि यार गाड़ी से गाड़ी टकरा गई एंड मैं रुक गया। फिलहाल कैसे भी करके यार ये वाले बंदे को मारते हैं। अब यहाँ पर बचा था लास्ट वाला बंदा एंड यार मैंने यहाँ पर पार्ट तो वीडियो का कट कर दिया लेकिन यहाँ पर लास्ट वाले बंदे को ढूंढते ढूंढते लगभग 5 से 10 मिनट मुझे यहाँ पर पूरे लगते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं पूरा घबरा गया था कि यार बंदा है तो है कहाँ पर एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं अब यहाँ पर रश करूँगा एंड बंदे को ढूंढूंगा।
एंड यार ये वाला बंदा यहाँ पर टीपी भी ले रहा था। तो फिलहाल ये था वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। देख सकते हो भाई 1500 का डैमेज मेरा है, 1500 का डैमेज मेरा टीममेट का है, लगभग लगभग हम दोनों मिलकर यहाँ पर लगभग 30 किल कर लिए। तो यार ये था वीडियो, होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके के गेम प्ले हम डेली टू डेली पब्लिश करते रहते हैं। सो यार इसी के साथ मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।